तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल एंड हाउजेड एप्लीकेशन में से आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा। बिकॉज आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग टीम बनाने को बोल रहे हैं, आई मीन एडवर्टाइजमेंट में, जो आपके फेवरेट प्लेयर हैं, जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं, बेसिकली आप उनके फैन हो और उनके लिए आप पैसे छापने वाली मशीन। बिकॉज ये सभी लोग आपको लूट रहे हैं, इतना लूट रहे हैं कि इतना आपकी गर्लफ्रेंड ने भी आपको नहीं लूटा होगा। बिकॉज ड्रीम इलेवन पे एक सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, तो वही सब आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा, हाउजेड, माई इलेवन सर्कल या फिर ड्रीम इलेवन। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। तो मैं हूँ कटप्पा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुमित। तो देखो, अगर हम कंपेयर करें हाउजेड को ड्रीम इलेवन से या फिर माई इलेवन सर्कल से, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड या फिर बीच में कहीं भी बताऊंगा। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें बेस्ट रहेगा मैच खेलना या फिर माई इलेवन सर्कल में या फिर ड्रीम इलेवन में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, मेरा इसमें ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है मैंने, KYC से लेके आधार वेरिफिकेशन तक सब कुछ कर रखा है और मेरे बैलेंस भी 272 रुपये है। अगर मैं मोर पे जाके आपको दिखाऊं तो विड्रॉयल में थोड़ा कम होता है, जरूरी नहीं मेरा 272 है तो वो मेरा विनिंग अमाउंट होगा। यहाँ पर मेरा विड्रॉयल बैलेंस 33 रुपीस है, मैं इतना ही विड्रॉयल कर सकता हूँ, लेकिन मिनिमम आप 100 रुपीस ही विड्रॉयल कर सकते हो, इससे कम आप विड्रॉयल नहीं कर सकते। UPI से भी आप पैसों को विड्रॉयल कर सकते हो, UPI पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको UPI ID डाल देनी होगी, जो कि आपको हर फोनपे, गूगल पे, पेटीएम में UPI ID मिल जाती है। और यहाँ पर जितना अमाउंट आप विड्रॉयल करना चाहते हो, 100 से कम आप विड्रॉयल नहीं कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना। मैक्सिमम आप 15,000 एक बार में विड्रॉयल कर सकते हो, UPI से भी और बैंक अकाउंट से भी, बैंक डिटेल से भी आप एक बार में 15,000 ही विड्रॉयल कर सकते हो और UPI से भी आप 15,000 ही मैक्सिमम विड्रॉयल कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा सब कुछ KYC वगैरह है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करोगे हाउजेड एप्लीकेशन को, तो आपको 200 रुपीज वॉलेट में मिलेंगे जब आप KYC कर लोगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक कर दोगे तब। बिकॉज ये एप्लीकेशन सभी को पैसे देता है, चाहे वो डाउनलोड करे चाहे वो रेफर करे। जैसा कि मैं अगर आपको दिखा दूं, यहां पे मैं मोर पे जाऊंगा एंड यहां पर रेफर एंड ज्वाइन फ्री फॉर फलाना ढिमकाना, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद ये बोलते हैं कि आप रेफर एंड गेट 6,000 पर रेफर, एक फ्रेंड को रेफर करोगे आप 6,000 कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 6,000 कन्फर्म मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप 6,000 रुपये एक साल में भी कमा सकते हो, कमीशन हर महीने हर दिन आपको मिलेगा, जितने भी मैच मिले होंगे, जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करेगा आपका दोस्त उस तरीके से, ठीक है। आपको 5% कमीशन मिलेगा आपका फ्रेंड जितना भी इसमें डिपॉजिट करेगा उसका। और रेफर कोड अवश्य डालना, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं रेफर कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो हाउजेड को। अब हम आपको बताते हैं कि हाउजेड बेस्ट है या फिर ड्रीम इलेवन या फिर माई इलेवन सर्कल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कॉन्टेस्ट हम ड्रीम इलेवन में 49 में ज्वाइन कर पाते हैं, वो हमें 24 रुपीज में मिल रहा है। और यहाँ पर टोटल जो टीम है इतनी है, 487,236 सीट्स हैं और अभी इतनी बची हुई है, 173,662, ठीक है। तो इतनी टोटल सीट्स है और वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है। अब जिस एप्लीकेशन में ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, उनका पैसा तो एप्लीकेशन वालों के लिए बहुत सारा बन जाएगा, करोड़ों अरबों खरबों बन जाता है, उसका मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने एक वीडियो बिगाड़ रखी है ड्रीम इलेवन पे, आप चाहो तो उसे देख लेना। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा सीट्स नहीं मिलती हैं, इसमें आपको सिर्फ लाख में सीट्स मिल रही, उसमें आपको करोड़ में सीट्स मिलती हैं। अब जिस एप्लीकेशन में ज़्यादा लोग एंट्री करेंगे, उस एप्लीकेशन में जीतने के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। तो ड्रीम इलेवन में टोटल सीट्स कितनी आती और कितना कंपटीशन हो जाता है, उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बिगाड़ रखा है, आप उस वीडियो को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर आपको बहुत ही कम सीट्स मिलती हैं, बहुत ही कम कंपटीशन मिलता है। आई मीन जब कम लोग ज्वाइन किए होंगे तो कम दिमाग लगा होगा, अगर बहुत ज़्यादा लोग आएंगे तो अपना अपना दिमाग लगाएंगे और कौन फर्स्ट पे चला जाएगा आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसमें कम रैंक मतलब कम सीट्स हैं, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इस एप्लीकेशन में जो भी फर्स्ट रैंक आता है उसे हॉन्डई क्रेटा कार दी जाती है, जिसकी प्राइस समथिंग मैक्सिमम देखो 22 लाख से एंड 12 लाख से स्टार्टिंग है। इसका टॉप वेरियंट समथिंग 20 लाख का ही होगा, तो ये जो कार है वो 20 लाख से कम की नहीं है। एक बार यहाँ पे ना क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस पे मैं टैप करूंगा, फर्स्ट पे देखोगे क्रेटा कार मिलेगी, सेकंड प्राइस वाले को 1,70,000
₹4,000 मिलेंगे। इस तरीके से आप ये चीज देख लेना। ओके, एंड यहाँ पर लास्ट रैंक पर अगर आप आते हो, यहाँ पर 1,21,000 तक रैंक आती है आपकी, तो आपको ₹49 मिलेंगे। इस तरीके से आपको टीम बनानी है। अगर लीडर बोर्ड में जाओगे तो यहाँ पर जब मैच स्टार्ट हो जाएगा तो किसको कितने पॉइंट मिल रहे हैं और वो किस रैंक पर रैंक कर रहा है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी हम आते ही यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इसको, ठीक है। हम यहाँ पे एक बार टैप कर देते हैं। जैसे हम टैप करेंगे तो हमें यहाँ पे प्लेयर को चूज करना है। हम एक टीम में 11 प्लेयर को ही ले सकते हैं। अब वो 11 प्लेयर आप दोनों टीम से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दो टीम है, विकेट कीपर और बैट्समैन, ठीक है। तो इसमें से भी आप 5 प्लेयर ले सकते हो, इसमें से 6 प्लेयर ले सकते हो, या फिर इसमें से 6 या फिर इसमें से 5 ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको टीम चूज करनी है। चाहो तो आप एक ही टीम में से भी प्लेयर ले सकते हो, लेकिन आप दोनों से लेना, मैं यही सजेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर उसी तरीके से आपको दोनों टीमों के प्लेयर सब में मिल जाएंगे, आपको विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर एंड बॉलर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन 4 कैटेगरियों में से अपने प्लेयर को सिलेक्ट करना है। तो मैं विकेट कीपर में से लोकेश राहुल को चूज करूंगा, एक ही लूंगा मैं विकेट कीपर में से, ठीक है। एंड हम बैट्स में आते हैं, तो इसमें से मैं ज्यादा नहीं 2 प्लेयर लूंगा, शिखर धवन एंड जॉनी वेस्टो। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आपको ऑलराउंडर पे आना है। अपने हिसाब से आपको नॉलेज हो तो ही आप इनमें पैसे लगाना, ठीक है। ये नहीं है कि नॉलेज है नहीं और आप लगे पड़े हो या फिर पैसा डुबाने में लगे पड़े हो। तो मैंने टोटल अपने 11 प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो नॉट प्लेइंग लिख के दे रहा है, ये प्लेयर खेल नहीं रहे तो आपको इन्हें सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और मैच स्टार्ट होने से पहले भी आपको चेकआउट करना है कि कोई प्लेयर खेलना बंद तो नहीं कर दिया है, उसे टीम से निकाल तो नहीं दिया है। यहाँ पर ऊपर आपको गाइड का ऑप्शन और मिल जाता है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कौन से पॉइंट कैसे मिलेंगे तो वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। हाउ टू प्ले है, अभी ये ब्लैंक मतलब ब्लैक स्क्रीन थी, तो इस तरीके से आप इन्हें पढ़ लेना, मतलब देख भी लेना इस पर क्लिक करके। हाउ टू क्रिएट टीम, कैसे टीम को क्रिएट करना है, इस पर क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें आपको अंदर मिल जाएंगी। आप इन्हें देख भी सकते हो, देख के समझ सकते हो और अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल, जिसकी भी आप देखना चाहो। 4 स्टेप होते हैं टीम को बनाने के लिए क्रिकेट टीम की, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, ज़्यादा मैं उस पर ज्ञान नहीं दूंगा। अब मेरे जो टोटल 11 प्लेयर हो चुके हैं, हमको यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हम इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, कैप्टन और वाइस कैप्टन। देखो लाखों टीम, हजारों टीम सैम बन सकती हैं, ठीक है। सैम आपने बनाई है, आपकी ही तरह किसी और ने भी बना ली होगी, लेकिन उसका एक डिफरेंट होगा वाइस कैप्टन और कैप्टन, क्योंकि 11 प्लेयर में से सिर्फ आप 2 ही कैप्टन, मतलब एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो इस वजह से सबकी टीम डिफरेंट हो जाती है। और अगर कैप्टन भी सैम हो जाएगा तो वाइस कैप्टन सैम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं टीम मिसमैच हो जाती है। इसीलिए अलग अलग टीम बोला जाता है कि किसी की टीम फर्स्ट रैंक पर आई है, इसीलिए आती है। सभी की टीम सैम नहीं बन सकती है वाइस कैप्टन और कैप्टन की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हो सी गेट्स मतलब कैप्टन 2x पॉइंट, अगर 1 पॉइंट कैप्टन को मिलता है तो उसका 2 पॉइंट प्लस की मतलब जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से आप इसे देख लेना, वाइस कैप्टन का 1.5 पॉइंट। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पे वाइस कैप्टन और कैप्टन को ले लिया है, सैम करन हरप्रीत को, ठीक है। एंड हमारा यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन हो चुके। अब हम यहाँ से सेव टीम पे क्लिक कर लेते हैं। प्रीव्यू पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि आपकी टीम कैसी होगी। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका कैप्टन है और यहाँ पर आपका वॉइस कैप्टन है। ये आपके विकेट कीपर के प्लेयर्स है, ये बैट्समैन के प्लेयर है, ये ऑलराउंडर के हैं, ये बॉलर्स के हैं, मतलब 4 कैटेगरीज थी। तो उस तरीके से आपके प्लेयर यहाँ पे मिल जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ से बैक करूंगा एंड मैं यहाँ पे सेव टीम पे क्लिक करूंगा। अभी ऊपर देखोगे हमारी टीम सेव हो चुकी है एंड उसके बाद हमारा जो बैलेंस है वो शो कर जाएगा। एंड यहाँ पर 49 का मैच हम 24 रुपीस में -25 रुपए करके ₹24 में ओनली हम ज्वाइन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो हम ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड उसके बाद ज्वाइन कॉन्टेस्ट सक्सेसफुली लिख के आ चुका है। हम ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लिखकर दिया जा रहा है, मैनेज योर टीम बैटर विद द बैकअप्स। जब स्टार्ट होगा उससे पहले आपको अपनी टीम चेक कर लेनी होगी, कोई प्लेयर टीम से बाहर तो नहीं हो गया है। तो हम यहाँ पे अभी यहाँ से कट ही कर देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे 2:30 पे कल ये मैच होगा। ओके, तब तक आपको चेक करना है कल ही, या फिर स्टार्ट होगा तो 5 मिनट पहले आपको चेक कर लेना होगा कि हमारा कोई प्लेयर खेल रहा है या फिर टीम से बाहर तो नहीं हो गया है।
उसके लिए आपको माई मैच में जाना है, चेक करने के लिए अपकमिंग में जाना है यहाँ पे, ठीक है। अपकमिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर गुजरात वर्सेस हैदराबाद ये मैच है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको माई टीम पे जाना है, माई टीम पे जाने बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, डुप्लीकेट टीम कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से एडिट करोगे तो जो प्लेयर नहीं खेल रहा होगा वो आपको यहाँ पे पता पड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर नॉट प्लेयर लिख के दे रहा था उस तरीके से आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लेयर को यहाँ से माइनस कर देना होगा जो प्लेयर ना खेल रहा हो वो। एंड उसके बाद तो ज्वाइन हो चुका है, पैसा भी कट ही चुका है, यहाँ पर 248 रुपये बचे हैं मेरे में। तो इस तरीके से आपको पैसा लगाना है, और ये ड्रीम इलेवन माई इलेवन सर्कल से बहुत ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन है, तो आप इस पर ही मैच लगाएं, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा। और इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको फैंटेसी है एंड रमी भी आप इसमें खेल सकते हो, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसमें रमी भी खेलो, आपकी मर्जी है। मैं तो यहाँ पर आपको फैंटेसी के लिए सजेस्ट कर रहा हूं इस एप्लीकेशन को। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, लेकिन अगर आपको मनी की नीड है तो मैं आपके लिए टॉप 5 रियल लोन एप्लीकेशनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन एप्लीकेशनों को वहां से डाउनलोड करके बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हो, उतना ही कम इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हो जितना कम इंटरेस्ट लड़कियों को आप में है। सॉरी मजाक कर रहा हूं। तो एप्लीकेशनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट करना मत भूलना।